नमस्कार, मैं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा गुरुकुल। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि अच्छे इम्प्लॉयज कैसे लाएं, उन्हें रिटेन कैसे करें, सैलरी क्या ऑफर करें, सही स्किल हो, सही काम के साथ वो मैप हो, ये कैसे करना है? तो घबराइए नहीं, एचआर मैनेजमेंट के हर पहलू को हम आपको समझाएंगे अपने इस कोर्स में। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट है, द कंपनी इज एज गुड एज इट्स पीपल। जितना अच्छा काम आपके एम्प्लॉयज करेंगे उतनी ही कंपनी ग्रो करेगी। ये आर्ट भी है और साइंस भी, और यही स्ट्रैटेजी है लोगों को संभालने की। आप एक ह्यूमन को कंट्रोल कर रहे हो तो पैसे के दम पर ना करें, इमोशन और अच्छी मैनेजमेंट के दम पर करें। एचआर की परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारक होते हैं, और ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कॉम्पिटेंसी, दूसरा कमिटमेंट और फिर कल्चर। कॉम्पिटेंसी मतलब हमारा स्किल सेट क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। कमिटमेंट, एम्प्लॉय कितनी लगन से काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि बॉस के सामने कर रहा है पर पीठ पीछे उनके वो काम ही नहीं करता। और तीसरा स्तंभ है कल्चर। कल्चर से ही कंपनी के लोगों में तालमेल बैठता है और सब एक टीम की तरह काम करते हैं। तो एचआर से संबंधित बहुत सारे टूल्स और एक्शन प्लान्स हमने आपको बताए हैं जो एचआर मैनेजमेंट के हर पहलू को कवर करते हैं, जैसे मैन पावर प्लानिंग, कितने लोग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा आपकी कंपनी का, एसओपी यानी प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कल्चर क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, आप हायर कैसे करेंगे, लोग रिपोर्ट किसको करेंगे, कितने लोगों के अंदर कितने रिपोर्टीज होने चाहिए, ट्रेनिंग कैसे होगी इंप्लॉयज की, केपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप इंप्लॉयज के कैसे मैप करेंगे ताकि उनको पता हो क्या डिलीवर करना है, टेक्नोलॉजी का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पेरोल में हो चाहे अप्रेजल्स में हो, इंप्लॉय पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, इंप्लॉय का इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन पर फोकस कैसे देना है, रिटेंशन पर फोकस कैसे देना है, प्रमोशन कैसे करनी है, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स कैसे आपने सोचने हैं, सक्सेशन प्लानिंग कैसे होती है एम्प्लॉयज की, फीडबैक कैसे लेना है एम्प्लॉयज के साथ, और एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे आपने बना कर रखनी है। तो इस कोर्स को हमने ऐसे एक्सपर्ट के साथ बनाया है जो कि एचआर कंसल्टेंट हैं, छोटे व्यापारियों की एचआर मैनेजमेंट करते हैं, ऑटोमेशन में उनको मदद करते हैं, इसीलिए मैन पावर मैनेजमेंट की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया है और हमें मदद की है। तो ये कोर्स को देखने के लिए और इस वीडियो में ये समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।